हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे आप कैसे अपने बालों को नेचुरली कलर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप देख सकते हैं हमने लिया एक बाउल के अंदर ड्राई करी लीफ। आप चाहें तो फ्रेश करी लीफ भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास में पड़े थे ड्राई, तो हमने ड्राई यूज़ किया है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स, वो हमने लिया है गुड़हल के फूल। तो ये हमने गुड़हल के जो सिंगल लीफ वाले फ्लावर्स होते हैं वो हमने लिए हैं 6-7 की क्वांटिटी में। और जो हमने पानी लिया था वो हमने लिया था लगभग 1 ग्लास। और ये है फ्रेंड्स ड्राई किए हुए आंवला, ये हमने घर पर ही ड्राई किया है। आप आंवला सुखाने की रेसिपी चैनल पर देख सकते हैं। तो हम ले रहे हैं लगभग 2 चम्मच जो है ड्राई आंवला हमने इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, आप जो है नेचुरल चीज़ों से अपने हेयर को कलर करेंगे तो आपकी हेयर का जो है टेक्सचर भी सुधरेगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने इन सारी चीज़ों को जो है बॉईल करने के लिए रख लिया है और इसको अच्छी तरह से हमें बॉईल करते जाना है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस वाटर का कलर जो है रेडिश हो चुका है, रेड कलर इसमें आ गया है। तो ये हेयर को भी इतना ही अच्छा कलर देने वाला है। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से बॉईल करने के बाद में हम इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा वाटर ठंडा हो चुका है। अब हमने लिया है एक लोहे का बाउल और अब हम इसमें डालेंगे मेहंदी, जो कि फ्रेंड्स हम ले रहे हैं गोदरेज नुपुर की है ना, हम ले रहे हैं जो हाथों पर लगाई जाती है वो वाली हम लेंगे। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो अपने बालों के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, वो आप ले लीजिए। तो हमने इसमें मेहंदी लिया है। अब हम इस जो हमारे पानी था करी लीफ और हिबिस्कस वाला, उसको हम छान के इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना रेड कलर का अच्छा सा कलर आया है इसमें। ये रेड कलर जो है करी लीफ और आंवला और गुड़हल के फ्लावर से मिक्स होके बना है और इसके अंदर जो है कैरेटिन बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है। तो ये आपके बालों को नेचुरली अंदर से कलर करेगा, आपके बाल जो है रेडिश ब्राउन कलर में आएंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कि बिल्कुल अच्छी तरह का पेस्ट हो जाना चाहिए, कोई भी इसके अंदर लम्स नहीं बचने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी ये मेहंदी जो है तैयार हो गई है। अब हमने इसमें लगभग 1/2 चम्मच के करीब कत्था पाउडर ऐड किया है। आप साबुत कत्था जो है वो मिलता है पंसारी की शॉप में, आप उसे लाके अगर आप घर पर पाउडर तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है शुद्धता ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी मेहंदी तैयार है। आप इसको अपने हेयर पर लगभग 1.5 से 2 घंटा के लिए लगाएं और अच्छी तरह से आप इसको ऐसे पैक करें कि आपके जो मेहंदी है वो सूखे ना। आप चाहे तो एक हेयर कैप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पॉली बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो है मेहंदी जब तक नहीं सूखेगी तो आप लगा सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस मेहंदी को लगाने से पहले आपको ओवरनाइट या कम से कम 1 घंटा आपको छोड़ देना है, उसके बाद में ही आपको इसको अपने हेयर पर अप्लाई करना है। ये देखिए, हमने इसको जो है 1 घंटा के लिए रखा था तो इसका कलर चेंज होके ऐसा आया है, कुछ इसमें ब्लैक कलर भी ऐड हो गया है। अगर आप लोगों को कम अपने बालों में जो है रेड कलर चाहिए तो आप जो है इसको 1 घंटा तक छोड़ सकते हैं, उसके बाद में अपने हेयर पे अप्लाई करें। और अगर आपको अपने बालों में जो है ब्लैक कलर चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट या फिर 10 से 12 घंटे तक छोड़ सकते हैं, उसके बाद में आप अपने हेयर पर इसको अप्लाई करें और लगभग 2 घंटों तक लगा रहने दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।